गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट में वैदिक मैथमेटिक्स में सिद्धी क्लास में अपन ने पढ़ा था क्या, सूत्र ऊर्ध्वतिरेकधाम प्लस विंकुलम के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, मल्टीप्लीकेशन के लिए वो पढ़ा था रूल्स। अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो है अपना ध्वजांक मेथड। ध्वजांक मेथड में देखो कोई क्वेश्चन अपने पास में ये जो 87 है ये इसका क्या है, यहाँ पर डिविजन क्या है अपने पास में, डिवीजर है। अब देखो नेक्स्ट इसको सेट करने का, सबसे पहले इस 87 में देखो ये जो 7 है इधर आरएच साइड में अपने, ये तो इसका है ध्वजांक, और ये जो एलएचएस तरफ है एड ये इसका है मुख्यांक। ठीक है, अब देखो इसको सेट करने का, इसमें पार्ट बनाएंगे, पार्ट बनते हैं इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड। मुख्यांक लिखा जाता है यहां नीचे, कितना है वो है, ध्वजांक लिखा जाता है आपका ऊपर, वो कितना आपका सम। ठीक है, अब देखो इसको इसको यहां जो डिजिट होती है जितने डिजिट यहां पर होती है, वन है तो इस पार्ट में वन डिजिट आएगी, किसकी बेच सकती छबल तो कितना 5, और बचे भी जो डिजिट्स हैं वो आपके किस कौन से पार्ट में आ जाएगी, सेकंड पार्ट। अब देखो सबसे पहले देखो स्टेप फर्स्ट में अपने को क्या करना है, यहां पर अगर वन डिजिट में डिवाइड जा रहा है इस संख्या का तो वन में देना है, और अगर टू में जा रहा है तो किसका देना है, टू डिजिट में देना, अगर वन में नहीं जा रहा है तो टू में दे देंगे, अगर टू डिजिट को शामिल दे देंगे। स्टेप फर्स्ट में देखो 9 में डिवाइड करना है किसका, एड का, ये वाले डिजिट पहले लिखी जाती है और मुख्यांक यहाँ बाद में होता है, कई क्या करते हैं मुख्यांक को पहले लिख देते इसको बाद में, तो आपका गलत हो जाएगा इस कंडीशन में। तो देखो 9 में डिवाइड करना है किसका, एड का, तो 9 एड बन जा, एड कितना बचेगा यहाँ पर, तो देखो इसमें जो अंदर होता है वो तो होता है आपका डिविडेंड, ये जो होता है ये आपका क्वेश्चन होता है, और ये जो होता है वो है आपका रिमाइंडर, और ये जो होता है वो आपका है डिविजर। ओके, अब देखो 9 में डिवाइड करना है इनका, तो देखो क्वेश्चन आपका है वो कितना है, कितना है यहां पर 1, और रिमाइंडर देखो आपके पास में कितना है 1। अब क्वेश्चन टाइप वो तो जिसमें डिवाइड करते हैं उसके यहां यहां आएगा इस लाइन के नीचे, और रिमाइंडर अगले डिजिट क्या है यहां इन दोनों के बीच में, नहीं इसके जस्ट नीचे की साइड। सेकंड देखो सबसे पहले लिखेंगे यहां न्यू डिविडेंड, कितना बना 1 और मिला के कितना हो गया 18। ठीक है, 18 माइनस यहां जो क्वेश्चन टैग था इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, ध्वजांक से, 1 × 7 वो आपका जो न्यू डिविडेंड बना है उसमें क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं, तो 18 माइनस 7 कितना बचेगा आपके पास में यहां 11। अब जो बचा है उसमें डिवाइड करना है, पहले माइनस करेंगे फिर क्या करेंगे डिवाइड, किसका करना है मुख्यांक का, तो मुख्यांक आपके पास में कितना है एड, तो देखो 11 में डिवाइड करना है एड का, एड बचा, एड कितने बच जाएंगे 3, एड इधर 16 से ज्यादा हो जाएंगे, तो जो क्वेश्चन है कितना है आपका 1, एंड रिमाइंडर है वो कितना बचा आपके पास में 3, तो देखो डिवाइड किसमें किया था इसमें, तो कितना आया क्वेश्चन तो 1, और रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है। ओके, स्टेप थर्ड न्यू डिविडेंड कितना बना आपका 37। ठीक है, अब जो ये बना है यानी आपका 37, अपन क्या करते हैं क्या बताया था यहां पर, यहां जो क्वेश्चन टाइप था उसको इससे मल्टीप्लाई किया था, अब क्वेश्चन क्या है आपका 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे
वन इंटू क्या हो जाएगा सब। तो 37 माइनस के 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा 30। अब जो बचा है उसमें डिवाइड भी करना है, किसका मुख्यांक का। तो मुख्यांक आपके पास के कितना है, कितने टाइम जाएगा देखो, 30 में डिवाइड करना है एड का, एड 3 24 बचा कितना यहां पर 6। तो क्वेश्चन आपका कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास में 6। देखो यहां आ जाएगा 3 और यहां कितना आ गया 6। नेक्स्ट क्या आएगी स्टेप 4, न्यू डिविडेंड कितना बनाया आपके पास में 66। क्या कहा था यहां पर जो डिजिट आएगा अगली उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और वो इस न्यू डिविडेंड में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 3 × 7 तो 66 माइनस के 21 बचेगा 5 और 45। तो जो भी बचा है उसमें डिवाइड करना है किसका मुख्यांक का। मुख्यांक आपके पास में कितना है एड, तो देखो 45 में डिवाइड करना है किसका एड का, एड 5 जा 40 बचा कितना 5। तो क्वेश्चन टाइप का ये है, तो आपके पास में देखो क्वेश्चन टाइप कितना आया 5 और रिमाइंडर है वो कितना बचा 5। तो देखो यहां से 5 और कितना होगा। अब लास्ट देखो यहां पर स्टेप 5th है वो है आपकी न्यू कितना बना 55। ठीक है 55 क्या कर रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो 55 माइनस यहां अगले डिजिट क्या आई है 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 5 × 7 55 माइनस के 35 0 कितना बचेगा 2। ठीक है जो भी बचा है उसमें अब अपने को डिवाइड नहीं करना है, लास्ट में अपन क्या करते हैं जो भी बचता है वो यहां लिख देते हैं। ओके तो इसका आंसर क्या हुआ क्वेश्चन टाइप में, तो ये हो गया रिमाइंडर आपका ये हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे वो तो कितना है 1135 और रिमाइंडर है वो कितना बचा 20। ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब देखो धवजानु मेथड में एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर इससे पहले तो 2 ही डिजिट थी, अब अपने पास 3 डिजिट हो गई है। इस कंडीशन में देखो आपको क्या कहा था 975, ये तो इसका क्या हो गया डिविजन। अब देखो सेट करने के लिए कहा था कितने पार्ट बनाने अपने को 3 पार्ट, क्या अब देखो इसको सेट करने का अपन हो सकता है 2 डिजिट नीचे रखे और ये इधर वाली ऊपर रह जाए, कहने का मतलब ये जो आर्चर साइड की 1 डिजिट है ये तो अपन क्या बनाते हैं यहां पर, यहां क्या होता है आपका धवजांक और यहां आपका क्या होता है मुख्यांक। तो धवजांक देखो 5 रख दिया और मुख्यांक जैसे 97 रख लो। अब ऐसे तो आपको पता है डिवाइड करने आएंगे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करते जाएंगे। अब मैं क्या करती हूं यहां ओनली 4 1 डिजिट रखी, इन दोनों को मैंने क्या बना दिया यहां पर धवजांक। इस कंडीशन का देखो क्वेश्चन, अब मैंने ये कहा था यहां पर जितनी डिजिट होती है उतनी कौन से पार्ट में होती है थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में पीछे से कितना आ जाएगा 79 क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट होगी, इधर कितना बचा 135। अब देखो इस 30 में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट 1 में तो जाएगा नहीं डिविडेंड, तो कितना मिलेंगे अगर 30 में डिवाइड करेंगे किसका मुख्यांक का वो कितना है 9। अब देखो क्वेश्चन कितना है 13 में डिवाइड करना है 9 का, 9 बन जाए 9 कितना बचेगा 4। तो ये तो क्या क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, तो कितना आया
रिमाइंडर है वो कितना आया आपके पास में? फोर। तो क्वेश्चन देखो इन दोनों में डिवाइड किया था, यहां लिख देंगे और रिमाइंडर कितना बचा? फोर। वो अगले डिजिट के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो काम में ले चुके हैं पर बचा यहाँ फाइव। तो यहाँ स्टेप सेकंड में देखो न्यू डिविडेंड है वो कितना बना? कितना बना? 45। ठीक है, जो भी न्यू डिविडेंड बना है उसमें क्या करते हैं अपन? माइनस। अपन वहां क्या कर रहे थे? यहां जो डिजिट आ रही थी उसको दबजान से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहां आप याद रखो कि उस टाइम पे क्या था, यहां पर ओनली फोर वन डिजिट थी। अब अपने पास में कितने डिजिट आ गई? डबल डिजिट आ गई। इस कंडीशन में क्या करना है? यहां जो डिजिट आई है इसको मल्टीप्लाई करना है ओनली फोर दबजान की टेंथ डिजिट से। किससे मल्टीप्लाई करना है? दबजान की टेंथ डिजिट से। तो ये क्या होता है? वन। सो ये क्या हो गया आपका टेंथ, तो टेंथ डिजिट कितनी होगी? सेवन। ओनली फोर मल्टीप्लाई किससे करना है? टेंथ डिजिट से। तो 45 माइनस 37 कितना बचेगा यहां पर? 38। जो भी बचा है उसमें डिवाइड करना है, तो 38 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9। देखो 38 में डिवाइड करना है किसका? 9 का। 9 फोर जा 36, बचा कितना? तो क्वेश्चन है वो कितना आया आपका? 4। और रिमाइंडर है वो कितना बचा आपके पास में? 2। तो क्वेश्चन आपका 4 है, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब लास्ट पार्ट में क्या करते हैं? यहां डबल डिजिट का रूल हो चाहे वैसे हो, तो कंप्लीट डिजिट लिखी जाती है अपने पास में, चाहे यहां पर वो कितनी भी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी? स्टेप 3। स्टेप थर्ड में आकर क्या बना? न्यू डिविडेंड 279। ठीक है, तो न्यू डिविडेंड बन गया। न्यू डिविडेंड में आपको क्या करना है? इसमें माइनस करना है। कैसे? फिलहाल में देखो पहले तो वन डिजिट की थी, तो इसको इसके टेंथ डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब अपने पास में देखो इससे बेट जो क्वेश्चन था उसने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर आगे वाले डिजिट आ रहे थे वापस यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, ये तरीका था। बट यहां पर रूल थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट हो गया? यहां डबल डिजिट है और यहां पर भी कितनी होगी? डबल। इस कंडीशन में देखो ये कितना है? 75। और ये कितना है? 40। इन दोनों को लिख लें। अब देखो इसमें लगाएंगे उर्दू है तो कितना हो जाएगा? 7 × 4 प्लस आता है 1 × कितना हो जाएगा? 5। जब अगर यहां पर डबल डिजिट है और यहां पर भी डबल आ गई है तो न्यू डिविडेंड बनाना है, उसमें माइनस करेंगे। ये उर्दू की रेखा मेथड लगा के इसको मल्टीप्लाई भी करना है। कौन से पार्ट में आ जाए? लास्ट वाले पार्ट में आ जाए तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना आपको? 10 से। या ये रूल ही है लास्ट पार्ट में आ जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद भी स्टेप है यहां किसका सिंबल आएगा? माइनस का। और क्या करेंगे? यहां जो डिजिट आई है उसकी 10 यानी जो इसकी जो वंस डिजिट है ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर इसकी वंस डिजिट। देखो ये बताया था इसकी वंस डिजिट कितनी है? 4। इसकी वंस डिजिट कितनी है? 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रही है वो भी इसमें क्या होगा? माइनस। तो देखो 279 माइनस 28 74 जा 1 × 5 5 हो जाएगा, इंटू 10 माइनस 4 5 जा 20। नेक्स्ट देखो 279 माइनस ये कितना हो जाएगा? 31। 4 × 1 = 3 × 10 माइनस 20। 279 माइनस इसको करेंगे तो 3 × 3 क्या हो जाएगा? जी माइनस 20। 279 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन सिंबल किसका आएगा? माइनस का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 300 कितना आएगा? 50। अब देखो इसमें से ये माइनस करना है तो यहां करके देख लो
2, 7, 9 बड़े डिजिट में से छोटी माइनस करते हैं, यानी ग्रेटर डिजिट में से स्मॉलर, 10 से 9, 1 यहाँ कितना हो गया 14, 7 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 0। और ग्रेटर डिजिट कौन सी थी, ये तो इसके किसका सिंबल है माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पर 71। लेकिन माइनस के आंसर अपना नहीं आएगा, अगर माइनस में आता है तो अपन यहां लिखेंगे द वैल्यू ऑफ नेगेटिव देन प्रोसेस अगेन रिपीट। प्रोसेस को अपन क्या करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे, जहां से अपन ने डिवाइड किया था, यानी इससे बेक वाला ये बना था, यानी कि अपन कहां करेंगे, देखो अभी अपना माइनस करने के बाद ये 45 माइनस 7 कितना बचा था 38, 38 में डिवाइड किया था किसका 9 का, कितने टाइम किया था 4 टाइम। तो यहां पर अपने को यहां से ये जो स्टे बनी थी इससे करना अपने को, यानी इससे बेक वाली ये थी, इसमें माइनस करने के बाद जो डिवाइड कर रहे थे वहां आएंगे। यहाँ कितने टाइम डिवाइड किया 4 टाइम, मैं कितने टाइम कर दूंगी 3 टाइम, पीछे कर देना है जो माइनस आता है, कितने टाइम कर देना है यहाँ पर 3 टाइम। देखो क्यों करना है, जब माइनस आए तब करना है ये। और देखो एक बार आपने डिवाइड किया यहाँ कितने टाइम करना है अपने को 3 टाइम, तो 9 3 27 और कितना बचेगा 1 और 1, तो कितने टाइम गया 3 टाइम। रिमाइंडर आपका कितना बचा है यहाँ पर, इसके लाइन लगे यानी कट करके यहाँ पर कितना लिख देते हैं 1 11, ठीक है। और अगर फिर भी इसका सोल्यूशन ये यहाँ वापस प्रोसेस कर देंगे, एक बार मैं पहले इसकी प्रोसेस दिखा दूं उसके बाद आगे बता दूं। तो देखो यहाँ इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 11। वापस रूल लगाएंगे, ये कितना 11 79 न्यू डिविडेंड बना है यहाँ पर, तो यहाँ लगाएंगे न्यू डिविडेंड इक्वल 1179, ठीक है, यही बना है 1179 माइनस। मैंने क्या कहा था, जब लास्ट वाले पार्ट में आ जाए और यहां डबल डिजिट का रूल है, इस कंडीशन में क्या करना है, ये दोनों डिजिट और ये दोनों डिजिट, इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, वो दो तीरिक में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से करेंगे और माइनस करेंगे इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट, आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो ये 75 और ये कितना है 13 है, तो देखो 75 और कितना 13, 7 × 3 किसका आता है उद्वित तिरेक धा में प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 1 × 5 इंटू किससे करना था, क्या बताया था 10 से मल्टीप्लाई माइनस क्या कहा था आपको, इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × 5 यानी इसकी कितनी है 3 और इसकी कितनी है 5। अब आगे देखो 1179 माइनस 7 3 21, 1 को 5 से करेंगे 5 × 10 3 5 15, 1179 माइनस के ये कितना हो जाएगा 26 × 10 माइनस 15, 1179 माइनस 260 माइनस 15 हो गया, 1179 माइनस 260 माइनस 15 हो गया, यहाँ 1179 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन सिंबल किसका आएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 7 5। इसमें से ये माइनस करते हैं तो 9 में से 5 4 हो जाएगा, 7 में से 7 0 हो जाएगा, 11 में से 2 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ आपका कितना आ गया 9 0 4। तो देखो इसमें आपका 9 0 आ गया, यहां लिख दिया। अब आपने को आंसर देना है क्वाड्रेंटी या क्वेश्चन टेबल में, वो तो कितना आया 13 और रिमाइंडर वो कितना आपका 904, इतना आपका 904 है। ओके अब देखो, देखो क्वेश्चन है अपना 21015 डिवाइडेड बाय 879, कौन सी मेथड लगा रही है, रमजान मेथड।
और धवजान में भी कौन सा लगाना है, निखिलम विनकुलम मेथड। सबसे पहले यहां से डिवीजन लिखो कितना है, तो डिवीजर आपका कितना है एट 7 9। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, विनकुलम। सबसे पहले तो आपको रूल वो पढ़ाया था उसको ध्यान में तो रखना है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि 5 या 5 से अबव डिजिट होती है तो 10 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है आगे वाली 9 से, और लेस होती है तो उसमें क्या कर देते अपन एकाधिक कर देते। यहां पर क्या करना है, अगर 3 डिजिट है डिविजर में तो 2 को कन्वर्ट करना है, थर्ड पे क्या लगाना है अपने को एकाधिक लगाना है। ओके, अगर 2 डिजिट है तो 1 को कन्वर्ट करेंगे इधर वाली को यानी आरएचएस साइड में है, और एलएचएस वाली इसमें क्या लगा देंगे अपन एकाधिक लगा। क्या बताया रूल मैंने, अगर 3 डिजिट है तो 2 को कन्वर्ट करेंगे आरएचएस तरफ की, और 1 पे क्या लगा देंगे लास्ट वाली पे एकाधिक, चाहे वो 5 या 5 से क्या हो ग्रेटर हो, ठीक है। और अगर 2 है तो 1 को कन्वर्ट करेंगे 1 पे क्या लगा देंगे एकाधिक, चाहे वो बड़ी ही क्यों ना हो, ठीक है। और अगर अपने पास में 4 डिजिट है तो अपन क्या करेंगे, यहां पर 4 डिजिट है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 3 को कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट वाले में क्या लगा देंगे एकाधिक। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1 हो तो इस कंडीशन में क्या करना है, उस पहले वाले को क्या कर देंगे कन्वर्ट, और सेकंड जो डिजिट अपने पास में है नहीं वहां पे 0 लगा के क्या कर देंगे उसका एकाधिक। बट देखो ये एग्जाम्पल एक बार, एट 7 9 कहां से 10 से, क्योंकि 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर ये 9 से, इस पे क्या कहा था मैंने एकाधिक कि जनरल नंबर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं अपन विनकुलम में, तो जनरल नंबर को विनकुलम में कन्वर्ट किया जाता है तो अपन क्या करते हैं एकाधिक लगाते हैं, वो तो पर लगाते हैं लेकिन 5 या 5 से अबव देखते हुए कंडीशन चलते हैं। यहां पर रूल है लास्ट डिजिट पर अपने को क्या लगाना है एकाधिक ही लगाना है, 3 है तो 2 को कन्वर्ट करो, 2 है तो 1 को कन्वर्ट करो, और 4 है तो 3 को कन्वर्ट करो। ओके, 10 में से 9 1 विनकुलम में कन्वर्ट करिए, 9 में से 7 2 और 8 और 1 कितना, डिविजर आपका ये बना, इसका डिवाइड करना है इसमें। देखो रूल्स आपके अभी बताया था मैंने 2 1 0, एक बार देखो यहां आपका क्या होता है मुठ्ठां, और ये आपका क्या होता है धमजांग। तो धमजांग में देखो मैंने क्या किया, इस 21 ये दोनों ही आपको पता है, ये भी माइनस होता है ये भी माइनस, तो माइनस वाली दोनों ही मैंने ऊपर रख ली, और 9 क्या रख दिया मैंने नीचे, डबल डिजिट का रूल लगाया। आप सोच रहे कि इसको नीचे लिख दिया बट वो माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस की क्या रख लिया ऊपर ही रख लिया, तो ठीक है। अब जितने डिजिट यहां पर आउट हुई थर्ड पार्ट में आएंगे तो देखो थर्ड पार्ट में कितना आ जाएगा यहां पर 50। रूल सभी एग्जाम्पल बताया वैसे ही है, देखो 9 का डिवाइड ये करना है किसमें 21 से, फर्स्ट 21 डिवाइडेड बाई 9 तो बोलो क्वाड्रेंट आपका या क्वेश्चन आपका कितना, 9 2 18। रिमाइंडर देखना है यहां पर, ये रफ वर्क है, आप डायरेक्ट आप बहुत बेटर होगा डायरेक्ट करूंगी तो 9 2 18 बचा कितना यहां पर 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। 21 में दिया था इसके नीचे लिख दिया, नेक्स्ट डिजिट आपकी कितनी है 3। न्यू डिविडेंड आपका कितना बना वो देखो स्टेप सेकेंड में 30 माइनस करना है, क्या कहा था यहां पर डिजिट आती है इसके ओनली 4 डबल डिजिट आ रही है तो किससे मल्टीप्लाई होगी टेंस डिजिट से, तो टेंस आपका कितना है ये वाला, तो 2 इंटू 2 पे क्या है विनकुलम, 30 माइनस 2 इंटू इसका मीन्स क्या हो गया -2, और 30 माइनस माइनस आपका क्या हो गया +2 2 4 कितना आएगा 34 माइनस करते हैं बट यहां ऑलरेडी सी आ रहा है। अब जो बनाया है उसमें डिवाइड करना है इस मुठ्ठां का, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, रिमाइंडर देखेंगे यहां से तो देखो देख सकते हो 34 9 3 27 4 36 ज्यादा हो जाएंगे, 14 में से 7 कितने बचेंगे 7, और ये इसको दे दिया था यहां से तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 7, तो 3 और रिमाइंडर कितना हो गया 7। लास्ट वाले पार्ट में आ गए तो कितना आ गया यहां पर 715। अब अपने को क्या करना है माइनस, क्या कहा था यहां पर डबल डिजिट आ रही है यहां पर भी डबल आ रही है, और कौन से पार्ट में आ रहे हैं लास्ट वाले में,
तो ये दोनों आ जाएंगे और यहां कितना है 23 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे। तो देखो 2 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 1। क्या कहा था किससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट पार्ट में आ जाएंगे तो 10 से। यहाँ डबल डिजिट है उसी के लिए रूल है और लास्ट वाले पार्ट में आए तो ही मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और माइनस आएगा इसका मीन्स ये है इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 1 × क्या हो जाएगा आपका 3 बिकॉज इस 1 पर क्या आपके पास में यहाँ पर विनकुलम लाइन है और इस पे नहीं। तो देखो 7 − 5 − 3 × 6 विनकुलम लाइन आएगी, 2 × 1 = 2 विनकुलम लाइन आएगी, 2 × 10 माइनस यहाँ देखो इसका मीन्स ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 को 3 से करेंगे तो 7 − 5 − ये माइनस के 6 है और प्लस ये माइनस के 2 है, माइनस के 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 6 और 2 कितने हो गए ऐड, दोनों ही माइनस के किसका हो जाएगा माइनस और इस तरीके से 10 + 3 7 − 5 − आपका प्लस हो जाएगा ऐड 10 कितना हो जाएगा 80 + 3 ये माइनस यहाँ आएगा तो इससे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लिख सकते हैं आप 7 − 5 − 8 × 10 + 3 एट 10 = 80 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये आ गया और इनको ऐड करेंगे तो आएगा 7 × 9। तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो कितना आया है 23 और रिमाइंडर है वो कितना है आपका 7 × 9। ओके नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे।